दोस्तों आज है 25 मई और आज हम याद कर रहे हैं बॉलीवुड के लेजेंड एक्टर सुनील दत्त साहब को, क्योंकि आज ही के दिन 25 मई 2005 को उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया था। सुनील दत्त साहब ने तो सैकड़ों फिल्मों में एक से बढ़कर एक रोल प्ले किए और हम सबका बहुत ज़्यादा ही मनोरंजन किया, लेकिन उन्होंने अपने करियर में एक ऐसी फिल्म बनाई थी जिसको गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। उनका ये रिकॉर्ड वहाँ दर्ज हुआ था। ये बात है 1964 की, जब सुनील दत्त साहब ने एक फिल्म बनाई जिसका नाम था यादें। इस फिल्म को डायरेक्ट और प्रोड्यूस भी खुद सुनील दत्त साहब ने ही किया था। ये फिल्म एक ऐसी फिल्म थी जिसमें सिर्फ एक ही कैरेक्टर था और वो थे खुद सुनील दत्त साहब। जब ये फिल्म स्टार्ट होती है तो उसमें लिखा आता है वर्ल्ड्स फर्स्ट वन एक्टर मूवी। इस फिल्म की खास बात यह है कि इस फिल्म की स्टार्टिंग में जब सुनील दत्त अपने घर आते हैं तो वो देखते हैं कि उनके घर में उनकी फैमिली में कोई भी नहीं है, उनकी बीवी उनके बच्चे कोई नहीं है, घर अकेला है। और तब वो बहुत परेशान हो जाते हैं और यादों में खो जाते हैं। वो वहाँ रखी हर चीज़ से बात करते हैं, बैलून से बात करते हैं, टेबल चेयर सब चीज़ से बात करते हैं और फ्लैशबैक में चले जाते हैं। इसी बीच उनकी तकरार होती है उनकी वाइफ से। यहाँ पर उनकी जो वाइफ का रोल है वो प्ले किया है नरगिस जी ने, लेकिन उनकी सिर्फ आवाज़ ही सुनाई देती है पूरी फिल्म में। और दोनों में लड़ाई होती है, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं और इसी तरह से फिल्म आगे बढ़ती है। फिल्म में एक मैसेज ये भी दिया गया है कि जिस घर में औरत की इज्जत नहीं होती उस घर में हमेशा प्रॉब्लम रहती है, और जिस घर में औरत की इज्जत होती है वहाँ पर देवता रहते हैं। इसी तरह से ये फिल्म आगे बढ़ती है। इस फिल्म के गीत लिखे हैं आनंद बख्शी जी ने और फिल्म में सिर्फ दो ही गाने हैं, उन दोनों गीतों को आवाज़ दी है लता मंगेशकर जी ने। फिल्म की एंड में ये दिखाया जाता है कि सुनील दत्त और उनकी पत्नी के बीच काफ़ी लड़ाई होने के बाद जब सुनील दत्त बहुत परेशान हो जाते हैं और उसके बाद एंड में जब उनकी पत्नी घर में एंटर करती हैं वहाँ पर सिर्फ नरगिस जी की परछाई दिखाई गई है और नरगिस जी देखती हैं कि उनके पति ने अपने आप को फांसी लगा ली है। ये सारी प्रॉब्लम झेलते हुए अकेलापन दिखाया गया है जिसकी वजह से उनको वो अपनी पुरानी यादों में चले जाते हैं और वो परेशान होकर अपने आप को फांसी लगा लेते हैं। तो ये थी एक फिल्म, एक अनोखी फिल्म जिसको बनाया सुनील दत्त साहब ने। आज सुनील दत्त साहब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें हैं, उनकी फिल्में हैं और उनका वो काम है जो हम कभी नहीं भूल सकते। क्या आपको ये बात पता थी? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों, आने वाले हर वीडियो देखने के लिए।